हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नेक्स्ट वीडियो मेरी पेडिक्योर की आएगी, तो बस अब पेडिक्योर की तैयारी, पानी गर्म हो चुका है, इसमें हमने क्लिंजर डाल लिया है और क्लिंजर के बाद हम लोग अब इसकी बस तैयारी के लिए करने के बाद अब नेल रिमूव बर से नेल पॉलिश रिमूव करेंगे। सारी नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद रेम रिमूव करने के बाद फिर पैर पानी में डुबोएंगे। अब पानी में पैर डूब रहे हैं, अब एक एक करके प्यूमिक स्टोन की सहायता से पैर में रब करेंगे। जो पैर की एड़ियां हैं वो एड़ियां आप देखिए, इसे रब करने से साफ हो जाएंगी और फिर दोबारा हम पानी में इसे दबाएंगे जिससे कि अच्छे से मैल फूल जाएगा और एड़ियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी और पैरों में भी एकदम से कोमलता आ जाएगी। ऐसा ही सेम प्रोसीजर हम दूसरे पैर में करेंगे। अब सेम हम ऐसे ही दूसरे पैर की भी एड़ियां प्यूमिक स्टोन की सहायता से रगड़ेंगे और अच्छे से इनकी सफाई करेंगे। आप देख रहे हो कितना मैल निकल रहा है रगड़ने से। पेडिक्योर का यही फायदा है, इससे पूरा मैल निकल जाता है पैरों का और पैरों की गंदगी साफ हो जाती है और बहुत आराम भी मिलता है। अब उसके बाद पैर डूब चुका है, अब ब्रश से रगड़ेंगे पैर को अच्छे से चारों तरफ से। आप देखिए पैर की गंदगी ब्रश की सहायता से साफ हो रही है। सेम ऐसा ही दूसरे पैर में करेंगे। अब देखिए आप ये पैर अच्छे से भीग के और अब पत्थर की सहायता से रगड़ के दोनों एड़ियां बिल्कुल साफ हो गई हैं। आप देख सकते हैं दोनों पैरों का मैल बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले स्क्रब करेंगे। अब आप देखेंगे कि स्क्रब ले लिया है, अब स्क्रब की सहायता से अब दोनों पैरों की मसाज होगी। सेम स्टेप वही है जो मैनिक्योर में किए गए थे, अब सेम ही स्टेप पेडिक्योर में किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्कल सेमी सर्कल जो सारे स्टेप्स हैं यही हैं। एक एक उंगली की मूवमेंट आप देख सकते हैं, इससे सारे पैरों का दर्द खत्म हो जाता है। एक एक उंगली की मूवमेंट आप देख सकते हैं, इससे सारे पैरों का दर्द खत्म हो जाता है। अब आप देखिए स्क्रब होने के बाद पैर में आराम के लिए प्रेशर पॉइंट दबाए जा रहे हैं, इससे बहुत आराम मिलता है और शरीर भी तनाव मुक्त होता है। एक एक करके सारे प्रेशर पॉइंट, और यही आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी का जो भी पॉइंट्स है सारे पैरों और हाथों की उंगलियों में ही होते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट दबाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद पैर धो के फिर क्रीम से मसाज होगी। ऐसे ही हम धीरे 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 करके पूरा पेडिक्योर करेंगे, स्क्रब के बाद क्रीम से मसाज करेंगे जैसे कि स्क्रब किया था पूरे पैरों में, फिर क्रीम से मसाज होनी है। वही पोजीशन, वही स्टेप्स, सेमी सर्कल्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं
करके उंगलियों में मसाज, वन बाय वन सारी उंगलियों में। देखिए आप उंगलियां भी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है इनकी। सेम ऐसे ही फिर एड़ियों की, सेम वैसे ही जैसे प्रेशर पॉइंट आपने स्क्रब में देखे थे, सेम ही वैसे ही प्रेशर पॉइंट इसमें है। वैसे ही प्रेशर पॉइंट देने हैं दोनों हाथों से। एक एक करके सारी उंगलियों को दबाना है। अब आप देखिए क्रीम के बाद पूरे पैर में पैक लग गया है अच्छे से। अब पैक को 15 मिनट लगेंगे सूखने में, उसके बाद हम साफ पानी से पैरों को धो देंगे और उसके बाद जेल लगा देंगे। देखिए 2 मिनट बस। अब पैक सूख गया है। अब पैक सूखने के बाद आप देखिए ऐसे अच्छे से पैरों को क्लीन कर लेंगे। पेडिक्योर मैनिक्योर जो हमारी किट होती है उससे सारी हम इस तरह साइड की गली हुई स्किन गंदगी ये इजीली इससे निकल जाती है। आप देख रहे हैं कि कैसे इससे गंदगी निकल रही है। हमारा पेडिक्योर फाइनल होने वाला है, बस इसके बाद हम नेल पेंट लगाएंगे। आप नेल पेंट लग चुका है और उसके बाद देखिए पैरों की सुंदरता, पैर कितने मुलायम हो गए हैं, कितने सुंदर हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन हो गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके बाय।